शनिवार को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इलाके में हिंसा की नई लपटें उठने लगी हैं। जब इसराइल हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई तब कई देशों के प्रमुख इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मुस्लिम देशों के बयानों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हमले के बाद सबसे पहले सऊदी अरब ने एक बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे फिलिस्तानी गुटों और इजरायली कब्जे वाले इलाके की वजह से हो रही हिंसा के अलग अलग मोर्चों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम हिंसा के गंभीर परिणामों से बचने के लिए संयम बरतने और तत्काल युद्ध विराम की अपील करते हैं। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है और हिंसा को रोकने और नागरिकों के जीवन को संरक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। वहीं पाकिस्तान ने भी इसराइल फिलिस्तीन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनारुल हक काकड़ ने इसराइल फिलिस्तीन में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा से आहत हूँ, जो फिलिस्तीन पर सवाल उठाने की तत्काल जरूरत को रेखांकित करता है। हम लोगों से संयम बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा का आग्रह करते हैं। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि मैं आज की घटनाओं से आश्चर्यचकित नहीं हूं। जब इसराइल फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय और राज्य का दर्जा पाने के उनके वैध अधिकार से वंचित करता रहेगा तो कोई और क्या उम्मीद कर सकता है। वही इसराइल हमास जंग पर मुस्लिम देशों के रोल पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है, सुनिए। इस समय इसराइल के ऊपर हमला हुआ है, हमास हमला कर रहा है, ईरान इत्यादि कंट्रीज हमास को सपोर्ट कर रही हैं, कई इस्लामिक कंट्रीज सपोर्ट करती हैं पर वो ओपनली बोल नहीं रही हैं, और इस समय हमास के ऊपर हमास ने एक बड़ा घातक हमला किया है। इसराइल के एक एयरफील्ड को हाफ कैप्चर कर लिया है, लोगों को सिविलियंस को बहुत बेहिंता मारा, औरतों का एक यूनिफॉर्म में जो औरत थी उसका बड़ी बुरी तरीके से रेप किया, उसको ख़त्म किया, और यही नहीं उन्होंने बहुत सारे प्रिजनर्स ले लिए हैं। बात यहाँ तक ठीक है। अब नेतन्याहू कहते हैं ये जो अब हम हमला करेंगे, हमला करने का मतलब है लड़ाई, और लड़ाई का मतलब है हम उनके ऊपर भीषण बमबारी करके जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। जब जगह ऑक्यूपाई होगी तब नेगोशिएटिंग टेबल में बात बनती है। सिर्फ बम मार के आप चले जाइए, कोई किसी की हार जीत नहीं होती, सिर्फ लाशें काउंट होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रियल एस्टेट जाती है, जब ज्योग्राफिकल टेरिटरी लूज होती है, फिर बात बनती है। इसराइल वो करने वाला।